हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश और आबाद रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। आज मैंने अपना ब्लॉग का आगाज़ किचन से किया है। मॉर्निंग तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं सुबह की उठी हूँ, बच्चे अभी उठे हैं, तो वो मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है। अभी मेरा बेल के लिए नाश्ता बना रही हूँ, और सेकंड डे है ईद का, तो मैंने कहा कि आज आपको अपने किचन से स्टार्ट दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम मैंने कहा ना, सिलाई में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत मेहनत का काम होता है। काम कोई भी हो मेहनत का ही होता है। ये ब्लॉगिंग भी बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाई और डाल दी, ऐसा कतन नहीं है। तो मैंने कहा आज किचन से आगाज़ करती हूँ, आपको अपनी सेकंड डे की भी दिखा देती हूँ। जो जो वैसे तो कोई प्लान नहीं है सच के, कहीं जाना है क्या करना है, घर में ही है कि भाई कोई आ जाएगा या क्या करेंगे, वो आपको दिखाऊंगी। अभी तो राबेल के लिए बन रहा है अंडा पराठा। पैनकेक का बैटर बना हुआ नहीं है, वरना पैनकेक इनको पसंद होता है, तो उसका बैटर थोड़ा पहले बना के रखना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो वो कल पे कर लेते हैं, कल बना दूँगी। तो आज मैं बस नॉर्मली अंडा पराठा बना के दूंगी, और चाय बन रही है, और ये मैं छोटा सा पराठा बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। बड़ा तो वो नहीं खाते, और बलों वाला भी नहीं खाते, नरम खाया जाता है, बिकॉज आजकल उनके तीजों से वो टूट के दोबारा नहीं कर रहे, तो थोड़ी पेन होती है उनको, तो नरम सा बस बना के छोटा सा बनाऊंगी। वैसे तो मेरी रोटी इतनी बड़ी होती कि पूरे तवे के बराबर हो, लेकिन अभी मैं उनको छोटी सी पराठा रोटी टाइप जो भी बना के दूंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा सेकंड डे कैसे गुजरता, और आप लोगों कैसा गुजरा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सारे बताइएगा। और सेकंडली फेशियल के फेस पॉलिश का रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये मेरी प्रोफेशनल फेस पॉलिश का है, इसलिए मैंने आप लोगों को चीज़ें नहीं दिखाई, बिकॉज वो मैंने दुबई से ख़रीदा हुआ था, तो वो यहाँ से नहीं मिलता अभी, जो मेरा प्रोफेशनल जितना भी था सामान, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं की। जब मैं यहाँ से लूँगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगी कि क्या क्या गलत है। तो बने रहिए मेरे साथ और फिर देखिए, और ये मेरे मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा आया फेस पॉलिश का रिज़ल्ट। तो चलें आगे भी बताती हूँ क्या क्या करना मुझे। हेलो गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय डाल रही हूँ मैं, आप ही ले जाए मिलाते हैं। ईद सेकंड डे, फर्स्ट डे कैसा गुजरा आपका? खाया था, मज़ा भी आया था, पर बोरिंग था। बकरीद कैसी लगी? मैंने देखा ही नहीं। और आपको पता मज़े की बात, हम लोगों ने गोश्त नहीं रखा, हम लोगों ने जब घर गोश्त आया ना, तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था, मैंने कहा ये गोश्त उन लोगों को जाएगा जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, और इतना इतना ज़रूर जाएगा कि एक टाइम में वो अच्छे से खा सके, मतलब किलो के करीब हम लोगों ने इस तरह गोश्त की मतलब बांट दी अपने घर में। फ्रीज़र बिल्कुल नहीं भरा है, और इस दफ़ा कोविड की वजह से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, और जितने भी बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनमें से एक हम भी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली गई थी, लेकिन अल्लाह पाक खैर करें, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जितने बेरोज़गार हैं सबका कोई नेक सबब नेक वसीला बना उनके लिए, रोज़ी रोज़गार उनके लिए, उनको रोज़ी रोज़गार दे अल्लाह पाक, आमीन सुम आमीन। तो आप भी मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा जी। चाय बन चुकी है, राबिल का नाश्ता तैयार हो चुका है, अब मैं बाकी काम स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी जी। तो जी 10:30 का टाइम ही, देखिए नीनू सो रही है, नीनू को तो नहीं उठाया था मैंने, क्योंकि नीनू जब उठ जाती मेरे काम कोई काम में नहीं कर सकते, और ये कुछ वो जो कपड़े थे सेकंड डे के उसके थोड़ा सा काम रहता था, तुरपाई का रहता था, तो मैंने कहा वो भी मैं साथ के साथ कर दूँ। ड्रेस तो रात ही को निकाल दिया था इनका मैंने, और मैंने कहा था चलें अब ये काम भी साथ के साथ हो जाए तो बहुत बेटर है, वरना तो आपको पता है काम हो ही नहीं पाते हैं। तो जी ज़ोहर का टाइम हो चुका था, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया। कुरान पाक की मैंने आपको कुछ सूरतें दिखाई हैं, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मंजिल है, सूरह मुज़म्मिल 3 दफ़ा और सूरह मंजिल 1 दफ़ा और सूरह यासीन, ये लाज़मी अपनी रोज़ की रूटीन में शरीक करें। अल्लाह पाक बहुत सी कहते हैं ना चीज़ों से आफात से बचा के रखता है, ये मेरी रोज़ की रूटीन है, मैं पढ़ती ज़रूर, और ईशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क, रात को सोने से पहले सूरह यासीन लाजमी पढ़ा करें। कुछ नहीं तो चलें अपनी, वो कहते हैं ना बुरे लोगों की नज़रों से बचने के लिए, हास्तों की हसद से बचने के लिए,
तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। ये छोटे छोटे काम है दिखाना, ये बात नहीं जता रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम आप लोग सारे ही नमाज़ पढ़ते होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी दुआएँ कोशिश किया करें रोज़ाना कुरान पाक खोलें, छोटी छोटी सूरतें उनमें से पढ़ें, तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी मेरी बच्चियाँ एक तो रेडी हो गई, दूसरी नीनो भी सोकर उठी है, तो मैं अब उसको रेडी कराती हूँ और मैं तो लेट ही बदलूँगी क्योंकि अभी मेरे छोटे मोटे काम हैं जो भी पेंडिंग पड़े हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं और सूट के साथ के पजामे तैयार नहीं हैं स्टिल अभी तक, तो वो भी मुझे तैयार करने, तो मैं तो लेट ही तैयार होंगी। ये बच्ची हैं, सेकेंड डे का दिन है और ये अभी बस इनको हरीम को नाश्ता कराना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ तैयार करवा के। ओके अल्लाह हाफिज़, फिर मिलती हूँ आपसे। ये बेला और नीनो तैयार हो चुकी हैं, सेकेंड डे का ड्रेस ये देखे जी, नीनो इधर देखे ड्रेस सिखाएं जी, ये नीनो का ड्रेस है जी। नीनो आप कैसी लग रही हैं? किसने कहा है आपको आप अच्छी लग रही हैं? अच्छा आप प्यारी होती हैं। अच्छा ये नीनो का हेयर स्टाइल हल्का सा बनाया है नीनो को, क्योंकि गर्मी है खुले बाल तो अच्छे नहीं लगते, तो ये छोटे हेयर स्टाइल और ये राबेल की सिंपल, इसको हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है राबेल को, सिंपल चुटिया बनवाती है, तो सिंपल चुटिया में यही एक था। हालांकि जिन माओ जिन बच्चों की माओ को हेयर स्टाइलिंग आती नहीं आती है उनके बच्चे ज़िद करते हैं, और मुझे आती है तो मेरे बच्चों को बिल्कुल शौक नहीं है, इनके बालों में दर्द होता है, तो इसलिए मैंने सिंपल चुटिया की है। और ये इनका ड्रेस नीचे गोल्डन खूसे पहने हैं राबेल ने, ये देखें जी, और नीनो के तो शूज़ हैं गोल्डन, ये देखें जी। ये अभी सेकंड डे का ये अभी तैयार हो चुकी हैं, अब छोटे मोटे काम है मेरे तो मैं तो लेट ही तैयार होंगी, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स काम से फारिग हो चुकी थी, अब मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर, सेकंड डे है आज ईद का, और सिंपल से कपड़े ये सिंपली सूट मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल सिंपल सा सीधी सीधी शलवार कमीज़ है बाजू ये, और ये तो सब हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलें फिर मिलती हूँ। नंद का घर करीब ही है तो इसलिए अबाया नहीं पहन रही, छोटी नंद के साथ मतलब बड़ी नंद के घर जा रही हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मतलब छोटे छोटे घर के क्लिप दिखा दूँगी, वो लोग तो नहीं आते कैमरे में, उनको पसंद नहीं है, तो चलें जी देखते हैं क्या होता है। लाइट्स वगैरह सारी चेक कर रहे हैं, बेबी बैग नहीं लिया, छोटा किड बैग ही ले लिया साथ, क्योंकि बताया ना आपको करीब ही हो, मैंने क्या क्या किया, मैंने आज के दिन कपड़े भी धो लिए, मैंने और मेरी नंद दोनों ने मिलके कपड़े धोए, ये देखिए ये सारे कपड़े हमने धोए हैं, सफाई सारी की है। तो जी मैं आ चुकी थी अपनी नंद के घर, ये मेरी नंद का घर है, हम एक बेडरूम में बैठे हुए थे, नंद के बेडरूम में, बाहर लाउंज में कुछ और गेस्ट आ चुके थे उनके, हम बेडरूम में बैठे हुए थे, और ये बच्चे देखिए मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरी नंद की नवासी है जो साथ बैठी हुई हैं, और ये हंस रही थी और ये लॉन में ये राबेल हरीम और मरियम और बच्चे और भी कासिम वगैरह ये सब लॉन में खेल रहे थे। ये बहुत प्यारा सा लॉन है, बैक साइड पे इन्होंने अपने घर के बनाया है, शाम के टाइम यहाँ पे चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है, और बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी इतनी थी और अमरूद लगे हुए थे, लेमन थे, ग्रीन चिलीज थी, बहुत अच्छा था, और हस्बैंड यहाँ पे बैठ के चाय को इंजॉय कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा चले जी हम भी इंजॉय करने चलते हैं, तो मगरिब से पहले पहले मैं भी बाहर आई, ये हस्बैंड देखिए चाय इंजॉय कर रहे हैं और साथ चपली कबाब है, और जी बस थोड़ी देर इसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद मैं तो मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, और वर्नंद और राबेल बाद में आए थे, और ये राबेल देखें पिक्चर्स वगैरह ले रही थी अपनी, और इसने तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी अपनी फ़्रॉक की, ख़ासतौर पे इसे खुले घेरे वाली फ़्रॉक्स बहुत पसंद है, हम सारे इस पे हंस रहे थे, फर्श पे बैठ के अपना फ़ोटो शूट कर रही थी। देखा आपने रात को मैं गई थी और मैंने आपको दिखाया दाल चावल हमने रात को खाने में खाए थे, बहुत मज़ा आया, इनफैक्ट आज जुमे का दिन है, सुबह हो चुकी है, और बच्चों को नहला धुला के आज ये इनका हरीम ड्रेस सिखाए राबेल, ये देखिए ये तैयार होके देखिए कैसी लेटी हुई है, जुमा वगैरह पढ़ लिया है हम लोगों ने तो ये ऐसी बैठे हुए, ये देखिए नॉर्मल रूटीन में, आज थर्ड डे है ईद का बाय द वे, और हस्बैंड जा चुके हैं एबटाबाद भाईजन के घर, मैं और बच्चे नहीं गए हैं घर में, हम लोग अभी इस वक्त अकेले हैं, मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे मतलब ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं घर में ही हूँ, और अभी फिर मैं दाल चावल तो मुझे जितनी दे दी जाए मुझे बहुत पसंद है, अभी मैं दाल चावल गर्म करूँगी, और रात के लिए बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत सालन बनाना है मुझे, आज ही हमारा थर्ड डे, और यहीं पर मैं इस ब्लॉग को एंड भी कर रही हूँ क्योंकि
आपको पता है कि मतलब घर में अकेले तो क्या करेंगे हम लोग, फिर अब घर में अकेले वही खाना बनाऊंगी और वही जो रूटीन होती है घर के काम छोटे मोटे से बच्चों के साथ, और कुछ काम मेरा भी सिलाई का मेरे कपड़ों का पड़ा है वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो बस यही था आज ईद का पहला, दूसरा और तीसरा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं किचन में जा रही हूँ अपने लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में क्या करूँगी मैं, किचन में करूँगी दाल चावल और उस पर गरम मसाला डाल के, मेरी नानी अम्मा ऐसे गरम करती थी और मुझे वो बहुत पसंद था। तो दाल चावल कभी भी रात की जो पड़ी भी होती है उसको मैं इसी तरह फ्राई पैन में, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो जी ये नानी अम्मी का तरीका है मेरी, ये थोड़ा सा ऑयल अलग के दाल में बघार तो मैंने लगाया हुआ था, लेकिन इस दाल चावल का मज़ा ही कुछ हो रहा है। बिलीव करें आप कभी अगर आपकी लेफ्ट ओवर दाल अगर पड़ी भी हो ना तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें ये दाल मलका मसूर की सिंपल मैंने पतली दाल ये मैंने इसमें डाल दी है। पहले मैं इसको गर्म करूँगी, अभी मुझे क्योंकि राबेल के लिए इसमें से निकालनी है तो मैं इसमें मतलब गरम मसाला ऐड नहीं, मुझे क्या पहले मैं राबेल के लिए निकाल दूँगी दाल चावल, उसके बाद में इस पर गरम मसाला और नमक डाल के फिर उसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं खाऊंगी। तो जी फिर मैं इसको मज़े ले लेके खाऊंगी। अभी मैंने दाल गरम होने ऑयल डाला ज़रा सा और दाल डाल दी है, और ये राइस वाइट राइस ये भी रात के हैं, ये भी रात को जो बच गए थे तो वो राइस हैं, मैं इसी को यूज़ करूंगी। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये दाल चावल खाने में, पता नहीं आप लोगों को आए ना, काली दाल हो मतलब क्या कहते हैं काले मसर और मलका मसूर, कोई दाल कोई भी हो, आई लव दाल चावल, मुझे तो बहुत पसंद है। आप बिल्कुल सिर्फ चने की दाल गोश्त पसंद है और ये काले मसर अभी दो दफ़ा से जब से ना पसंद आने लग गए ना, और अब ये ठीक है। तो अब हम ये खाएंगे, हमारा लंच हो जाएगा और रात को सिंपल देखूंगी कुछ सालन वगैरह बनाऊँ बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो गए हैं भाई के घर तो वो जहर सी बातें खा कर ही आएंगे, मैं और बच्चे ही हैं तो बस कुछ देखेंगे। हमारी ईद इस तरह से गुजरी, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे बताइएगा प्लीज़। ये सेकेंड और थर्ड डे मिक्स है ठीक है, हमारी ईद बस बोर परदेश में जैसी गुजरती थी ना, इस साल भी आप बिलीव करें वैसी ही गुजरी है, बस इतना फ़र्क हुआ कि मैंने गोश्त बांटा है, मतलब कुर्बानी का हिस्सा जो हमने डाला था वो आ गया था और हमने गोश्त बांटा है, और उसके बाद वही सब कुछ बोर होती रही हूँ घर में और बस इसी तरह काम करती रही हूँ। कपड़े भी धो दिए मैंने सेकेंड डे, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी। और इस्लामाबाद अभी इसलिए नहीं गई क्योंकि बीच में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो भी आपके साथ बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा क्या कन्फ्यूजन है, बहुत कम डेज रह गए उसमें भी, तो अगर वहाँ चली गई तो वो स्किप हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी इस्लामाबाद भी नहीं जा सक रही। तो देखते हैं अभी इस्लामाबाद का प्लान मेरा कब बनता है। बाजी का फ़ोन आया था अम्मी का कि कब आओगी कब आओगी, मैंने कहा अभी नहीं मैं आ रही, देखती हूँ कब आऊँगी। तो बहरहाल देखते हैं अभी मैं इस्लामाबाद कब जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सेकेंड और थर्ड डे का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अपनी खास दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में यूँ ही खुश और आबाद हंसता बसता रखे, और जितने भी बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जितने भी औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो एक नई शेयरिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक मुझे मतलब राबेल फैमिली ब्लॉग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।